हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो भी ऑयल से रिलेटेड है। मैंने ये परचेज़ किया है गुड वाइब्स का कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। सो इसके फ़ायदे मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसके फ़ायदे मैंने काफ़ी पढ़े थे और सुने भी थे, सो सोचा मैंने कि आपको इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताया जाए, इस कैस्टर ऑयल के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो हम कैस्टर ऑयल के बारे में जान लेते हैं कि कैस्टर ऑयल के क्या क्या फ़ायदे हैं। कैस्टर ऑयल बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है। सो फर्स्ट तो उसमें यही है कि ये सबसे पहले आपके बालों को, मैं आप बताती हूँ कि ये सबसे पहले आपके बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है, मैं आपको ये अभी ओपन करके दिखाती हूँ। कैस्टर ऑयल की जो मात्रा होती है वो बहुत नॉर्मल तेल से हम बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। नारियल तेल के अलावा और बाकी के तेलों के अलावा, जैतून का तेल हो गया और सरसों का तेल हो गया, उसके मुताबिक जो कैस्टर ऑयल होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। आप ये देख ही सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। और इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा चिपचिपा चिपचिपा सा महसूस होता है और ऑयल के मुताबिक। सो ये बालों में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट करता है कैस्टर ऑयल। और कैस्टर ऑयल आपके बालों में बहुत ज़्यादा चमकदार शाइनिंग लाता है और ये आपके बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था अपनी वीडियो में लास्ट टाइम कि कोकोनट ऑयल आपके हेयर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, देन आपके हेयर को जो है शाइनिंग एंड ब्राइटनिंग बनाता है। सो ये कैस्टर ऑयल भी सेम काम करता है, बल्कि इसके ज़्यादा फायदे हैं कैस्टर ऑयल के। और यह तेल सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका एंड भारत के जंगलों में ही पाया जाता है। इसकी जो जड़ी बूटी होती है, अरंडी का जो पेड़ होता है, ये सिर्फ अफ्रीका और भारत के जंगलों में ही पाया जाता है। सो ये आप सोच ही सकते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितनी कम मात्रा में जो इसके पेड़ पौधे उगते हैं। और बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, पर हाँ और ऑयल्स के मुताबिक काफ़ी महंगा मिलता है। ये मैंने गुड वाइब्स का परचेज़ किया था 235 में। सो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये कुछ इसका क्वांटिटी इसमें नहीं लिखी है। सो ये 100 ml की है। सो ये 100 ml का है 235 में। सो आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वरना आप कहीं भी शॉप में जाकर वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताया अभी कि बालों के लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद होता है। आपकी बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, शाइनिंग बनाता है, लॉन्ग करता है, थिक करता है। मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा थिन है, थिक नहीं है, पतले बाल हैं मेरे, मोटे नहीं हैं। सो मैं भी इसको ट्राई करने वाली हूँ। सॉरी बट मैंने इसे ट्राई नहीं किया, और मैंने कुछ दिन इसे ट्राई करा था, फिर मैंने इसे छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे इसे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा चिपचिपा चिपचिपा सा लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। सो सेकेंड मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स किस तरह से रिमूव कर सकता है। स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं और आपके वो स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, सो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लीजिए, उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए हल्का सा, और उसको जहाँ पर आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वहाँ अप्लाई कर दीजिए। देन आपको इसको कंटिन्यू अप्लाई करना है। मैंने पहले भी आपसे बोला था, जब तक आप नियमित रूप से इसको अप्लाई नहीं करेंगे ऑयल्स को, आपको उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। दो तो मैंने आपको बता दिए। थर्ड मैं आपको ये बताती हूँ कि ये आपकी फटी हुई एड़ियों को एंड देन आपके लिप्स के पास जो ब्लैक सर्कल्स हो जाता है एंड पिगमेंटेशन हो जाती है, उनको भी दूर करता है और ब्लैक हेड्स को भी दूर करता है। सो आप चाहें तो इसको एड़ियों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिप्स के आसपास भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लिप्स के आसपास इस्तेमाल करने के तरीके ये है कि आप कैस्टर ऑयल लीजिए और रात को अपने लिप्स के आसपास लगा के सो जाइए, एंड देन यही सेम प्रोसेस आपको अपनी एड़ियों पर इस्तेमाल करना है। एड़ियों पर इस्तेमाल करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि आप सबसे पहले विंटर चल रही है तो सबसे पहले आप अपने एड़ियों को गुनगुने पानी में 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, और 10 मिनट छोड़ने के बाद आपकी जो स्किन है, आपकी एड़ियों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इस ऑयल को लगा के और सॉक्स पहन के रात को सो जाइए। सो आप इसको इसे मिनिमम 3 डेज अप्लाई करना है और रात को ही करना है। 3 डेज में आपको इसका रिजल्ट देखने को पक्का मिलेगा। सो इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिप्स का भी ये इसी तरह से ख्याल रखता है, और तो इसको भी अपने लिप्स के चारों तरफ लगा के रात को सो जाइएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कैस्टर ऑयल आपकी त्वचा को बहुत ज़्यादा निखारता है। आपकी रंगत त्वचा जो आपकी जो दब चुकी है, आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, उसको भी बहुत ज़्यादा निखारता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी त्वचा को बहुत ज़्यादा
प्रोटेक्ट करता है, जिनकी जिनके फेस पर झुर्रियाँ हो गई हैं, झाइयाँ हो गई हैं, उसकी झाइयों को भी बहुत अच्छे से दूर करता है। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ कि आपको उसके नियमित रूप से कंटिन्यूस आपको इसे अप्लाई कराना पड़ेगा। बीच में एक भी दिन नहीं छोड़ना है, वरना आपका रिजल्ट आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। फिर आप मुझे ही बोलोगे कि इन्होंने तो गलत बताया था, पता नहीं कैसे बता रही है, ये अप्लाई कर रहे हैं तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो आपको इसे कंटिन्यू तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, मैं दोबारा से कह रही हूँ। सो इसको इस्तेमाल करने का तरीका यही है, मैंने आपको पहले तीन बता दिए हैं, फोर्थ में आपको यही बता रही हूँ कि अगर आपके झाइयाँ हैं तो आप अपने फेस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, और अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है अच्छे से, ताकि आप जितना भी ऑयल आपने अपने फेस पर लगाया है वो अच्छे से आपके फेस पर ऑब्जर्व हो जाए, अच्छे से सूख जाए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए आपके फेस पर ऑयल। रोज़ इसको लगा के सो जाइएगा। सो आपके जो फेस के जो झुर्रियाँ होंगी, झाइयाँ होंगी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी, और साथ ही साथ आपके फेस का जो कालापन आपके फेस पर आ गया है और डलनेस आ गई है, वो भी आपके फेस को फेस पर से रिमूव कर देगी। साथ ही साथ एक और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा बॉडी लोशन है, बहुत अच्छा बॉडी लोशन और मॉइस्चराइज़र है, प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इसको। इसे मैंने अप्लाई कर रखा है, बॉडी लोशन एज अ बॉडी लोशन, एज अ मॉइस्चराइज़र, सो एज अ बहुत कुछ, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके तो। सो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ना कि ये आपके कील मुहासों को भी आने से रोकता है। जब इसका तरीका ये है कि आपके कील मुहासों को ये दूर करता है, आप इसको लगा लीजिए, जहाँ पर आपके कील मुहासे हैं वहाँ इसको लगा लीजिए। पहली बात तो विंटर चल रही है, आप इसको डेली अप्लाई कीजिए तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज ये आपके फेस पर से जो कील मुहासे निकलने होते हैं उसको आने से पहले ही रोक देता है। और अगर आपके निकले हुए हैं तो आप वहाँ पर ऑलरेडी इसे अप्लाई कर दीजिए, और इसके बाद देखिए आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है इसका। बालों के कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसको लगाने से। सो बालों के मैं और ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट बताती हूँ, कि सबसे पहले तो ये कि आपके बालों को, जड़ों को बहुत ज़्यादा ही मजबूत करता है ये। और आपकी अगर आईब्रो के अंदर रूसी हो गई है, बहुत से लोगों के मैंने देखा है कि आईब्रो के अंदर भी रूसी हो जाती है, सो उसको भी रिमूव करता है। आप अपनी आईब्रो पर 1 से 2 ड्रॉप्स अपनी आईब्रो पर लगा लीजिए, और उसको थोड़ी देर 3 से 4 मिनट मसाज कीजिए, और इसको हफ्ते में आपको मिनिमम 3 डेज तो उसको अप्लाई करना है, या फिर आप रोज़ भी अप्लाई करते हैं, सो 1 वीक के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी कि अगर आपके बालों में रूसी हो गई है, और या एज अ कंडीशनर भी काम करता है, आपके बालों की रूसी को भी, आपके सर में जो रूसी हो जाती है उसको भी ख़त्म कर देता है, क्योंकि कैस्टर ऑयल के अंदर विटामिन ई का तत्व पाया जाता है। सो ये बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन ई के कैप्सूल लोग खाते हैं अपनी हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अपने फेस को क्लीन रखने के लिए, शाइनी एंड ब्राइटनिंग बनाने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि डॉक्टर्स भी बताते हैं बहुत अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। सो उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन ई का कैप्सूल आपको बाहर से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी विटामिन ई का तत्व इसके अंदर पाया जाता है, कैस्टर ऑयल के अंदर। और कैस्टर ऑयल एज अ कंडीशनर भी काम करता है। अगर आप कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहते और आपको अपने बाल शाइनिंग भी चाहिए और स्ट्रेट भी चाहिए, तो आप कैस्टर ऑयल ज़रूर अप्लाई करें। वीक में 2 टाइम्स इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा कैस्टर ऑयल को, और सुबह सर धो दीजिएगा रात को अप्लाई करने के बाद, और ये एज अ कंडीशनर भी आपका काम करेगा। सो बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं, और बहुत सारे फ़ायदे अभी भी रह गए हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, आप भी देखते देखते बोर हो जाओगे। सो हम इतना ही बनाते हैं, इतने ही वीडियो में कंप्लीट कर देती हूँ, आप बोर हो गए होंगे सुनते सुनते इतने सारे फ़ायदे कि कितना बकबक बकबक करती है। सो वीडियो ख़त्म करते हैं, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।